पुलिस पत्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पुलिस पत्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बेटियों की सुनो पुकार, रनिंग करो, पुलिस भर्ती पूरी करो, इसको लेके शांति प्रदर्शन की तरह जिस तरह से लोग देखिए अभ्यर्थी जो है वो लगातार जाते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनकी मांगे यही है कि जो भर्तियां हैं उनको बहाल किया जाए और लगातार 28 नवंबर की बात बताई जाए जहां से ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात सुनने की बात आती है तो इनकी सुनवाई जो है फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर अभ्यर्थी हैं वो लगातार बीमार भी हो रहे हैं। बात करी जाती है डीसी साहब से, बात करी जाती है, लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इनकी जो भर्तियां हैं वो फिलहाल बहाल नहीं की जा रही है। और साथ साथ पुलिस देखिए लगातार जा रही है, इनका शांति प्रदर्शन जो लगातार जो चल रहा है पिछले 28 तारीख से चल रहा है, 28 नवंबर से। अब आप समझिए कि जो हरियाणा सरकार जो है वो पुलिस की जो भर्तियों में या कॉन्स्टेबल की भर्तियों में, होमगार्ड की भर्तियों में जिस तरह से लगातार जो विवाद चलते हैं और लगातार दिक्कत और परेशानियाँ चल रही, फिलहाल देखिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चला जा रहा है और जो पुलिस की गाड़ी है, बटालियन है, पूरा इनका साथ देती हुई नजर आ रही है। साथ किस चीज़ के लिए कि आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से किसी मंत्री को, किसी विधायक को, किसी डीसी साहब को या किसी को परेशान ना करिएगा, अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए। जी, ये हरियाणा पुलिस के चयनित अभ्यर्थी हैं, जो ये भर्ती 2019 की है जो अभी तक पेंडिंग में है। अभी जो रिजल्ट आया हुआ फीमेल कांस्टेबल का, उसको भी एक साल हो चुका है। 15 दिसंबर को फाइनल लिस्ट लग गई थी, लेकिन उसके बाद फिर रिजल्ट को रिवाइज भी किया गया, जून में ये रिवाइज किया गया था। उसके बाद भी अब तक कोई किसी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, सभी प्रोसेस पूरी हो चुकी हैं, यहाँ तक कि प्री ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इसके लिए सभी बच्चे 29 से 2022 से यहाँ धरने पर बैठे हैं कि ताकि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन अभी भी कभी किसी से अधिकारी से मिला जा रहा है, कभी किसी अधिकारी से मिला जा रहा है, लेकिन हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, किसी भी कोई इसी प्रकार का कोई सॉलिड काम हमारा नहीं हो रहा है। हमारा धरने को कितने दिन होंगे टोटल के जो आप हमारा धरना 29 नवंबर से चला हुआ है, कम से कम 45-40 दिन हो चुके हैं, तो उसी दिन से ये धरना जारी है और जारी ही रहेगा जब तक हमारी ज्वाइनिंग। कितने अधिकारी और कर्मचारी से मिल चुके जो अपना ज्ञापन दे चुके, अपने मामले का संज्ञान डाल चुके हैं, कितने लोग दे चुके थे? लगभग सभी अधिकारियों से, डीसी, एजी, सीएम साहब, ओएसडी, वकील साहब, सभी से मिल चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा आपको, कोई भी कोई डेट नहीं मिल रही कि कब आपकी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्दी का माहौल है, सर्दी का मौसम है, उसके बाद कुछ लोग बीमार भी हुए थे आपकी तरफ से, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अभी तक कोई क्लियर आश्वासन नहीं मिल रहा, बस वैसे दिलासे दिलाई जा रही है। जी, तो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज किससे मिलकर आए हैं? आज हम डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है, डीसी साहब को, वहाँ गए थे। हाँ जी, क्या कुछ जो है अगर आश्वासन दिया गया है, कब तक सुनी जाएगी मांग? आश्वासन दिया है कि कर देंगे, हो जाएगा, यही दिया जा रहा है जी बार बार।